हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग सही हो गए और मजे में हो गए। तो हम भाई 4-5 दिनों बाद आए हैं, बता दें वो स्टोरी। पहले भाई हमारे अभी भाई 4-5 दिन में घर पे था नहीं, तो अभी भाई कैसा लगा तुम्हें यहाँ हमारे वहाँ? बहुत बोरिंग कद्दू, बोरिंग बहुत मजे करे सारे ने। और आज हमारे वहाँ रखा बिक्की भाई। तो हेलो गाइस, अच्छा आदमी है, सही है। आप छोड़ो क्या कहें, बीती बातें बीत गई आप। और हमारा लक्की भाई, हेलो गाइस। लक्की भाई डेली आ जा रहा है कुत्ता मांगने, लेकिन अभी हम दे नहीं रहे। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं, अभी के बाल वाल कटवाने, उसके बाद स्टोरी बता दूँ तुम्हें आके, ठीक है? तो भाई हम आज तो फोटो थोड़ी मस्त डाल रहे हैं, क्या करें, ऐसे ही खींच लेते हम। तो वसीम भाई के वहाँ पहुँच चुका है। तुम्हें याद होगा ना, मैंने बहुत पुरानी वीडियो, भाई मैं यहाँ पर दे दूंगा इस वीडियो के ना, मैं कार्ड मैसेज करके दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वसीम भाई के वहाँ हमने तब बाल कटाए थे, कई सालों बाद। क्या वसीम भाई कुछ बोल लो, तुम तो आज नहीं बोल लो कुछ बोला जा रहा। काटे थे बाल, काटे थे बहुत पहले, काटे थे। तो 2 साल से बाल ही नहीं काट रखे। वसीम भाई का हम दोबारा पहुंच गए, लेकिन अब वसीम भाई का थोड़ा चेंजेस हो गए। पहले से वसीम भाई का इतना सिस्टम हुआ करता था, एक यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन अब वसीम भाई ने ऐसा थोड़ा बड़ा सेटअप बना दिया, इधर को ऐसा पूरा हॉल जैसा बना दिया काफ़ी लंबा। तो वसीम भाई तरक्की कर रहे हैं मेरी पड़ाव में, बस बढ़िया करके। हम चाहते हैं वसीम भाई की तरक्की ऐसे हो, इसके ऊपर 2 मंजिला और आए सलून एक। क्या वसीम भाई? तो बस आज अभी के बाल वाल कटाते हैं, इधर को झपड़ा बन रखा है, उसके बाद हम भी थोड़ी सेटिंग वाइटिंग कर लें, बहुत टाइम से कुछ किया नहीं है, जंग भी ऐसे हो गए हैं, फिर मिलता था। इधर गोलू भाई का हेयर कट होने वाला है, कैसे हेयर कट कटा रहा है कुछ बताओ नहीं तूने अभी तक। एक नंबर लगा दो पूरे सर पे, सही लगेगा, या 0 या 2? क्या सब पे क्या? पूरे बालों पे, पागल हो गया, मस्त लगेगा कह रहा हूँ मैं, नया लुक भैंस क्या। इधर कटिंग हो रही है इसकी, उसके मिलते हैं कटिंग के बाद, ठीक है? फिलहाल जब तक हमारी हम कटिंग वटिंग करवा लेते हैं, बस इधर बैठ बैठ जाते हैं। इधर फोकस कर ले मेरे भाई, इधर फोकस हो गया, इधर हो गया यहाँ। तो काफ़ी सालों बाद आ रहा हूँ, ऐसे मैं आते रहता हूँ बीच में, बट बाल कटाने में कम से कम 2 साल बाद आ रहा हूँ। बाल भी कटाने, सेटिंग करवाने हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सेट वेट कर लेंगे, थोड़ी दाढ़ी सेट, 2 मिनट का काम अपना। पहले थोड़ा भयंकर वो लगता था, अब तो काफ़ी बड़ा बना दिया भाई ने, खुला खुला मैदान। तो यहाँ आओ, तुम्हें बिल्कुल सेफली हर चीज़ें मिल सकती हैं आके, जितने भाई मेरे लोकल व्यूअर हैं इधर ही आया करो अपने वसीम भाई के वहाँ। हल्दू चौड़ के जो लौंडे देख रहे हो यहाँ से, भाई वसीम भाई के वहाँ आओ, क्या मस्त खुली खुली जगह है, आपको बिल्कुल सेफ्टी और प्योर बाल कटते हैं यहाँ, मस्त तरीके से बाल भी अच्छे कटते हैं और सेफ्टी फुल मिलेगी तुम्हें, कोविड वोविड का कोई सीन नहीं इधर को, मस्त समाचार। जैसे हम पहले मैं यहीं कटाता था 2-3 साल जब भी मैंने, मतलब उससे पहले जब मेरा ऐसा हेयर स्टाइल वेयर स्टाइल हुआ करता था या बाल भी लंबे रखे थे मैंने, तो कटिंग वटिंग वो करवाना सारे यहीं से करवाते थे। कई सालों बाद आया ना मेमोरीज, वो भी याद अभी, क्या करा जाए, कटा दिया आज बाल? नहीं नहीं सही हो रहा है, क्या तो हो रही है भाई, कट से इसको भाई हमारे यहाँ सेविंग हो गई है। बाल तो ये देखो ऐसा सेव कर लिया अपन ने, इधर एक कट वट पड़वा दिया, कैसा लग रहा हूँ बहुत टाइम बाद ऐसा छपरी बना किया हमने, छपरी बना नहीं यार, सही है। थोड़ी सी वो चले गई थी ना बात, फेडिंग वेडिंग ना, बहुत टाइम बाद आया हूँ वसीम भाई के वहाँ, उसके अलावा हम कहीं जाते नहीं हैं, तो 2-3 साल बाद ही मैं इधर पहुँचा और कुछ किया है मैंने, वरना मैं सेविंग वेविंग घर पे पूरा या तो क्लीन सेव करवा लेता था, या हल्का कैची वैची करवा दी, बस हो गया, उसी में छोड़ दो। वो तो अभी बहुत जब मैं ही था तब से कह रहा था ये, उसके बाद तो मैं 5-6 दिन चले गया था कहीं, देन फिर आया हूँ, अभी बताते उसकी स्टोरी भी घर पर जाके। तो ऐसा भाई लोग वसीम भाई के वहाँ के पुरानी याद है, 2-3 साल पुरानी यादें, जो बाल वाल कटाया करते थे, हेयरस्टाइल बनाया करते थे, उसकी यादें ताज़ा हो गई हैं। तो भाई वैसे तो मेरे सारे व्यूअर यहीं आते हैं, पर लोकली व्यूअर हैं मेरे, और जो बाकी तो फिर बाहर के हैं, फिर तुम बहुत दूर को कैसे आओगे यहाँ, पर जो यहाँ के लोकल के हैं मेरे, आलू चाड़ वगैरह या इधर को मोटा आलू भाई लोग जो मुझे जानते हो, वसीम भाई के आओ, क्या तगड़े बाल काटते हैं।
ये हमारा टूटा हुआ बेरी पड़ा, पूरा उजड़ गया ये। एक जमाने में रंगीन हुआ करता था ये। एक ही जने चमक रहे हैं हमारे शर्मा जी। हाँ ऐसे रखनी चाहिए थी ना। और शर्मा जी क्या हाल है आपके? बढ़िया हो रहा है। शर्मा जी हमारे, शर्मा जी हमारे दिन याद कर रहे हैं अपने पूरे पूरे बेरी पड़ा कह रहे टूट कर रहे। हाँ टूट गए, मतलब टूट गया पूरा ये बेरी पड़ा। हाँ यार पूरा उजड़ ही गया ये, क्या रहेगी आप यहाँ पर। पहले रौनक हुआ करती थी इस साइड पे, पूरी रौनक इस साइड पे होती थी, याला हिस्सा पूरा बेराना पड़ा रहता था। अब शर्मा जी की वजह से थोड़ा इधर को भयंकर रौनक वौनक रहती है, और वाला हिस्सा तो पूरा ख़त्म ही हो गया। कोई नहीं, बन जाएगा जल्दी। गेरी क्या बोर तो नहीं हुए घर पे? बोर ही हुआ होगा, क्या करा तूने? कुछ नहीं बैठ लड़ना कह रहा भी, बोर नहीं हुआ मैं तो भाई। ऐसे ट्रिम व्रिम करके ऐसा कट फिट करके आ गए आज, थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है आज। मिलता हूँ शाम को, और क्या करें। स्टोरी बता दूँ तुम थोड़ी देर में, बिल्कुल मन नहीं मेरा, थक गया हूँ मैं, बाल बाल कटा गया हूँ। तो बताते हमारे साथ चार पाँच दिन में क्या हुआ सीन ब्रेक के बाद। तो हम आपको स्टोरी बताना भूल गए थे आगे की, ठीक है? वो कल की बात थी, हमने जितना शूट किया था ये है नेक्स्ट डे, क्योंकि कल से हम थोड़ा सा बिजी थे और हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था, ठीक है? तो आई थिंक हमने आज हमें बता देना चाहिए, मुझे बता देना चाहिए। पाँच छः दिन से मैं कहाँ था, पाँच छः दिन से आई थिंक लास्ट वीडियो कौन सी थी मेरी, मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल। लास्ट वीडियो यार मैंने कब डाली थी, कहीं की डाली थी यार मैंने, किसी ना किसी चीज़ की लास्ट वीडियो डाली थी। उसके बाद क्या हुआ था, दो दिन हो गए थे आई थिंक वीडियोस नहीं आई थी, बारिश हो रही थी या कुछ हो रहा था। उसके बाद वीडियो आने वाली थी, बट क्या हुआ हमारे दादाजी को आ गया हार्ट अटैक। दिन से थोड़ा छाती में दर्द हो रहा था, इधर कंधों में दर्द हो रहा था, बट शाम होते होते मस्त करके हार्ट अटैक आ गया उन्हें। ऐसा मतलब मस्त वाला नहीं यार, मतलब वैसे कह रहा हूँ हार्ट अटैक आ गया। देन फिर हम उनको ले गए हॉस्पिटल रात को, सुशीला तिवाड़ी वालों ने बोला नहीं भाई हमारे वहाँ फ़िलहाल के लिए यहाँ ऑपरेशन नहीं होता, आपको बरेली लेके जाना पड़ेगा। हार्ट अटैक दादाजी को बहुत पहले आया था, 7 साल पहले, देन दोबारा आ गया था। तो फिर हम दादाजी को ले गए बरेली, तो हम 5 या 6 दिन बरेली रुके थे, हॉस्पिटल में थे, दादाजी का ऑपरेशन कराया। उसका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद दादाजी को आईसीयू में रखा था 24 घंटे ऑपरेशन होने के बाद। देन फिर वैसे नॉर्मल वार्ड में रखा, फिर 2-3 दिन वहाँ रहे, देन उसके बाद हम आ गए। तो 5-6 दिन से ब्लॉग इसलिए नहीं आए थे, 6-7 दिन हो गए आई थिंक, 6-7 दिन से ज़्यादा हो गए। बीच में मैंने कल और आज 2 शॉर्ट्स डाले छोटे छोटे, बस इसलिए वजह से हमारे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। बट आई एम बैक दोबारा वही एनर्जी के साथ यार, क्योंकि हम तुम्हारे कमेंट्स देखते हैं ना, प्यारे प्यारे कमेंट्स देखते हैं। देन अपना यूट्यूब चैनल खोला होता है और वीडियोस के नीचे कमेंट किए होते हैं, तो मेरे अंदर वो एनर्जी ना वापस आ जाती है, तो ऐसा कभी नहीं रहता है। हाँ मेरी लाइफ बहुत अलग सी है भाई, मेरी लाइफ में हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आती रहती है। आई थिंक आपको पता होगा कि मैं अपने पापा को भी कितने बार भर्ती लेके जा चुका हूँ हॉस्पिटल, और कम से कम लॉकडाउन में ये 2 सालों के अंदर अंदर 5 से 6 बार पापा भर्ती हो चुके हैं, दादाजी हो चुके बीमार, मम्मी बीमार है, हाँ प्रॉब्लम्स, और मेरी नॉर्मल लाइफ तो फिर फक है भाई। रियल बात है यार, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, बट कोई बात नहीं यार, ऐसा हम कर रहे हैं ना मेहनत यार, कर लगे हम, हो जाएगा ना कुछ ना कुछ, काई को टेंशन ले रहे हो। बाकी यार आप लोगों का प्यार है, मुझे वही एनर्जी यार मोटिवेशन मिलता है आपकी कमेंट देख के, लाइक देख के, और आपका प्यारा प्यारा प्यार देख के। कि भाई मज़ा आता है जब तुम्हारे कमेंट देखता हूँ, या मोटिवेशन वापस आ जाती है कि यार कि लाइफ में प्रॉब्लम्स है आते जाते रहती है, आपका कोई बुरा दिन हो सकता है, पूरी पूरी लाइफ तो नहीं हो सकती ना। तो उसी मोटिवेशन के साथ मैं दोबारा उठता हूँ फिर से फुल पावर के साथ, और फुल पावर्स के साथ हम वापस आ चुके हैं अपनी मस्त करके, तो आप प्यार प्यार दोबारा से ब्लॉग आएंगे। तो बस यही था ऐड है कि सो मच मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए मुझको, बहुत सपोर्ट और बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है आपकी तरफ से। और ये बताओ ये कट कैसा लग रहा है, सेक्सी लग रहा है ना? बहुत टाइम बाद से वेप कराया मेरे, तो वापस आ चुके हैं हम दोबारा से, प्यारे प्यारे ब्लॉग्स आएंगे एंड वही मस्ती भरे दिन हमारे वापस आएंगे। और हमारी जेरी के बच्चों की आँखें खुल गई हैं, वो मैंने दिखाया नहीं, उसका हम नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि इस टाइम पर हमारे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं थी
हम थके थे कल का दिन मेरा वैसे ही, परसों शाम को पहुंचे थे हम, कल का दिन वैसे ही चले गया था, देन आज का दिन भी वैसे ही चले गया यार, बहुत थक चुका था मैं, हालत ख़राब थी, तो वही है। थैंक यू सो मच यहाँ तक व्लॉग देखने के लिए, और आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और मौसम देखो क्या सेक्सी हो रहा है, किलर मौसम हो रहा है आज का यार, मतलब मज़ा आ गया, आपको मज़ा आ रहा होगा ना लाइट देख के। देखो अभी इस टाइम पे ना, जिस टाइम पे जो लोकेशन और ऐसा शूट कर, ये जैसा मैं दिख रहा हूँ ना, इस टाइम पे एक म्यूज़िक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ मैं पूरी की पूरी, इतना सेक्सी मौसम हो गया। तो फिलहाल यहाँ तक के लिए था, लाइक से सब्सक्राइब करो और ऐसी मोटिवेट करो मुझे, ऐसी प्यार करो, अपना प्यार बरसाते रहो, और हम ऐसी वीडियोस आते रहेंगे। हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और मिलियन पहुँच जाएंगे एक दिन यार, क्या दिक्कत है, थोड़ी लेट लगेगी पर पहुँच जाएंगे। बाय बाय, थैंक यू।